हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर एट ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी वर्कशॉप नंबर थ्री स्टार्ट करेंगे ये है हमारा क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ प्रॉपर्टीज़ है प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टीज़ है क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ साइड्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखना क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया है ट्राइंगल की थ्री साइड्स दी हुई है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मान लीजिए कोई एक ट्राएंगल है जिसकी साइड्स कैसे हैं सिक्स सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर और एट सेंटीमीटर ठीक है हमें ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है हम बिना ट्रायंगल बनाए ही हमें ये बताना है सिर्फ हमें ये बताना है कि ऐसी ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं मतलब इतनी मेजरमेंट लेके अगर आप ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल तो ड्रॉ होगी या नहीं सिर्फ यस या नो में आंसर देना है तो उसके लिए ड्रॉ करके नहीं देखना उसके लिए एक अलग मैथड है देखो यहाँ पर हमें दी हुई है सिक्स सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर और एट सेंटीमीटर अब आप ये देखो आपके पास एक रिजल्ट होता है मैं आपको बुक में से दिखा रही हूँ आपकी बुक में पेज नंबर वन फोर्टी सेवन के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ इन्होंने लिखा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राएंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड कि ट्राइंगल में उसकी किन्हीं दो साइड्स का सम वो बड़ा होता है थर्ड साइड से ठीक है आप कोई भी दो साइड उठा लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बी और सी ए साइड दी हुई है ए सेंटीमीटर बी सेंटीमीटर और सी सेंटीमीटर तो अभी इन्होंने यहाँ से पहले ए और बी का ए की जितनी वैल्यू थी और बी की वैल्यू दोनों को लेके सम किया ए प्लस बी का सम किया तो वो किससे बड़ा होगा इस सी से वो बड़ा होगा ठीक है कोई भी दो साइड उठा लो उसमें जैसे अब कबार बी और सी उठाते हैं बी प्लस सी किससे बड़ा होगा ए से बड़ा होगा ठीक है और सी प्लस ए वो किससे बड़ा होगा किस बी मतलब कोई भी दो साइड को उठाओ उनका सम करो तो वो हमेशा थर्ड साइड से कैसा होगा ग्रेटर होगा हमें इसका यूज़ करना है अब आप यहाँ देखो सिक्स सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर और एट सेंटीमीटर अब आपको ये जो तीन साइड्स है ना इसमें से देखो दो को तो आप एक तरफ लिखोगे जैसे सिक्स है फोर है मैं पहले ये स्टार्टिंग वाले उठा रही हूँ सिक्स और फोर ठीक है और थोड़ा सा दूर करके एट लिखना मैं बताती हूँ देखो मैं क्या कर रही हूँ मैंने कोई भी दो साइड उठाई ठीक है मैंने कोई भी दो साइड उठाई मैं उनका सम करूँगी और चेक करूँगी कि वो थर्ड वाले से बड़ा है या नहीं है तो यहाँ से सिक्स और फोर को एक तरफ लिखा था इनको तो हम प्लस कर देंगे और थर्ड साइड मैंने एक तरफ रहने दिया इनका सम करो कितना आता है सिक्स प्लस फ़ोर करेंगे कितना आएगा टेन टेन क्या इस एट से बड़ा है हाँ वो तो बड़ा है मतलब इन दोनों का सम इस एट से क्या आएगा ग्रेटर आएगा ठीक है इन दोनों को जब आप सम करेंगे वो क्या आएगा इससे बड़ा ही आएगा यहाँ पर हमने सिक्स प्लस फोर को ऐड करके आता है हमारा टेन और यहाँ से मेरे पास है एट तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है टेन बड़ा है मतलब यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा ग्रेटर का तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर भी लगा देती हूँ सिक्स प्लस फोर इज़ ग्रेटर देन एट ठीक है एक तो ये आ गया रिजल्ट यहाँ से अब अब की बार तो मैंने सिक्स और फोर को उठाया था अब की बार कोई दो कोई और दूसरी साइड उठाओ फोर और एट मैं उठा लेती हूँ फोर प्लस एट उठाया ठीक है फोर और एट का सम एक तरफ किया और जो थर्ड साइड रह गई थी उसको थोड़ा सा दूर करके यहाँ लिख दिया ठीक है अब मैं यहाँ पर भी ये सेकेंड स्टेप में नहीं लिखूंगी मैं यहीं पर इनको प्लस करके दिखाऊंगी फोर प्लस एट को ऐड करते हैं तो कितना आता है ट्वेल्व और ट्वेल्व किससे बड़ा है सिक्स से ठीक है यहाँ पर भी रिजल्ट ठीक आ रहा है ग्रेटर ही आना चाहिए हमेशा ग्रेटर का सिंबल आना चाहिए यहाँ पर भी रिजल्ट सही आ रहा है हमेशा ग्रेटर का ही सिंबल आया ठीक है अब की बार देखो पहले मैंने सिक्स और फोर को एक तरफ प्लस किया था फिर फोर और एट को एक तरफ प्लस किया था अब की बार पहली और लास्ट वाली ले, ले लेते हैं सिक्स और एट को प्लस करके देखते हैं सिक्स और एट को तो एक तरफ प्लस करेंगे और जो बच गई है फोर उसको एक तरफ लिख देंगे सिक्स और एट को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर्टीन फोर्टीन इज ग्रेटर देन फोर ठीक है हमेशा हमारा कौन सा सिंबल आ रहा है ग्रेटर वाला ही सिंबल आ रहा है यहाँ पर भी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो हमने यहाँ से देखा कि ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का सम वो थर्ड साइड से हमेशा क्या आ रहा है ग्रेटर आ रहा है आप यहाँ लिख दोगे ट्रायंगल इज़ पॉसिबल ट्राइंगल इज पॉसिबल और क्यों पॉसिबल है आप यहाँ लिखोगे बिकॉज सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज Greater than, greater than the third side. तो यहाँ फर्स्ट वाला जो है उसका आपका आंसर आ रहा है यस ट्रायंगल इज पॉसिबल नेक्स्ट हम करते हैं अभी अब आपको समझ आ गया होगा आपको दो साइड का सम एक तरफ करना है और थर्ड साइड को एक तरफ रखना है ठीक है तो मैं पहले यहाँ एट और टेन का प्लस करूंगी एक तरफ और जो बच गई है एटीन साइड उसको एक तरफ लिखूंगी ठीक है मैं पहले फटाफट लिख देती हूँ सारी नेक्स्ट स्टेप में हम टेन और एट को एक तरफ प्लस करेंगे एटीन को और एट को एक तरफ लिख देंगे अब पहली और लास्ट वाली एट और एटीन एट और एटीन को तो ऐड करेंगे और टेन को एक तरफ मैंने यही सिखाया है कि दो साइड को प्लस करके एक तरफ लिखो और थर्ड साइड को एक तरफ लिख दो इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है एटीन इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है ट्वेंटी एट इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा twenty six ठीक है अब आप यहाँ से देखो ये दोनों हमारे कैसे हो रहे हैं इक्वल एटीन इज इक्वल टू एटीन यहाँ पर ट्वेंटी एट इज़ ग्रेटर दैन एट ये तो ठीक है ट्वेंटी सिक्स इज ग्रेटर दैन टेन यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आया हुआ रिजल्ट यहाँ पर हमारा रिजल्ट यहां पर देखो यहाँ पर दो साइड का सम ग्रेटर दैन द थर्ड साइड ठीक है टू साइड का सम ग्रेटर दैन थर्ड साइड है लेकिन यहाँ पर क्या आ गए दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल हो गए लेकिन ऐसा नहीं है ट्राइंगल जब ट्राइंगल सिर्फ तब पॉसिबल होगी कि किन्हीं दो साइड का सम, तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए यहाँ तो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ग्रेटर है लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसे नंबर चूज़ कर लिए कि दो साइड का सम, तीसरी के इक्वल भी आ गया मतलब यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो रही है फेल हो रही है तो आप यहाँ लिखोगे ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल ठीक है यहाँ पर हम यहाँ हमें बताना था मेजरमेंट ऑफ साइड सेंटीमीटर बस हमें ये बताना था ट्राएंगल पॉसिबल है या नहीं रीज़न देने की भी आपको जरूरत नहीं है यस yes या नो no में आंसर आपके आएंगे तो इसका आंसर आपका क्या आएगा ट्राएंगल इज़ नॉट पॉसिबल मतलब नो no आंसर है आपका वहाँ पर रीज़न मैंने जो लिखवा दिया था अगर मान लीजिए बाई चांस इसमें आ जाता है गिव रीज़न तो गिव रीज़न में आपके पास आप यहाँ लिखाओगे कि टू साइड का सम थर्ड साइड से क्या होना चाहिए ग्रेटर नेक्स्ट है हमारे पास सी और डी दो पार्ट हो रहे हैं अब यहाँ पर भी हम यही करेंगे दो साइड को एक एक तरफ सम करके लिखेंगे थ्री प्लस फोर का सम एक तरफ लिखेंगे टेन को थोड़ा सा दूर करके लिखेंगे पहली मैंने थ्री और फोर लिया उसके बाद फोर और टेन को एक तरफ प्लस करेंगे और जो बच गई है साइड थ्री उसको एक तरफ लिखेंगे पहली और लास्ट वाली का सम एक तरफ करेंगे थ्री प्लस टेन और जब बीच में रह गया फोर थर्ड साइड को एक तरफ लिख दिया ठीक है हर बार चूज़ करके कोई दो साइड को एक तरफ प्लस किया और जो बच गई है थर्ड साइड उसे एक तरफ लिखा है फोर प्लस सेवन ये थ्री प्लस फोर कितना होता है सेवन फोर प्लस टेन कितना होता है फोर्टीन टेन प्लस थ्री कितना होता है थर्टीन यहाँ पर देखो दो साइड का सम करके सेवन आता है लेकिन वो तो जो थर्ड साइड है टेन उससे छोटा है ठीक है लेस देन लेस ये वाला सिंबल आएगा क्योंकि जो ये पूछ होती है वो छोटे नंबर की तरफ होती है फोर्टीन इज ग्रेटर देन थ्री थर्टीन इज़ ऑलसो ग्रेटर देन फोर तो अब यहाँ पर देखो आपका यहाँ से आपका सही रिजल्ट है ठीक है ये टिक नहीं लगाने में सिर्फ आपको वैसे बता दें यहाँ से रिजल्ट ठीक है सम ऑफ़ टू साइड इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड यहाँ पर भी यही है सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड बट यहाँ पर देखो सम ऑफ टू साइड इज नॉट ग्रेटर देन यहाँ लेस देन आ गया सम ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या है गलत हो गया तो आप इसमें क्या लिखोगे ट्राएंगल इज नॉट पॉसिबल ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल ठीक है यहाँ पर नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ पार्ट दो साइड को एक तरफ प्लस करो थर्टी फाइव और थर्टी एट को एक तरफ प्लस कर लेंगे यहाँ पर और फोर्टी को इधर लिखना लें थर्ड साइड में एक तरफ लिखूंगी थर्टी एट और फोर्टी को एक तरफ प्लस करेंगे और थर्टी फाइव को एक तरफ लिख देंगे पहली और लास्ट और, देखो पहले मैं पहली स्टार्टिंग की दो लेती हूँ फर्स्ट और सेकंड फिर मैं सेकंड और थर्ड को प्लस करती हूँ और फिर मैं फर्स्ट और लास्ट को तो यहाँ आएगा थर्टी फाइव प्लस फोर्टी एक तरफ लिखेंगे और बीच में जो थर्टी एट है उसको एक तरफ ठीक है अब प्लस करके देखो इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा सेवेंटी थ्री एट और फाइव थर्टीन थ्री थ्री सिक्स और वन सेवन यहाँ से आएगा एट फोर और थ्री सेवन ऐसे आएगा सेवेंटी फाइव चेक कर लो ठीक है अब आप देखो सेवेंटी थ्री बड़ा होता है फोटी से सेवेंटी एट ग्रेटर देन होता है थर्टी फाइव से सेवेंटी फाइव ये भी हमारा ग्रेटर होता है थर्टी एट से तो हमेशा ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन का सिंबल आया मतलब तीनों ये हमारी जो आ, तीनों हमने जो चांसेस यहाँ पर चूज किए हैं कि दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड से वो हमारा फुलफिल हो गया कंडीशन तो ट्राइंगल कैसी है पॉसिबल ट्राइ यस ट्राइंगल इज पॉसिबल बिकॉज लिखना है तो लिख देना बिकॉज द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड ठीक है तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया है जो इसके बचे हुए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच